देखते हैं और कबूतरों को देखते हैं कबूतर कैसे हैं। तो कबूतर तो फाइनली जो कबूतर सारे बाहर निकल चुके हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ अगर आप पल्टी मार कबूतर लाते हैं तो क्या चीज़ चेक करना है कि कबूतर अच्छा बढ़िया उड़ेगा। और दाना देने के बाद दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करके आपको चेक करना है, ठीक है। तो ये तो पंजाबी चीज देख सकते हो, काफ़ी लंबे लंबे पर है। हेलो गाइज, मैं अरविंद आपको चैनल पर स्वागत करता हूँ जिसका नाम है पिजन भाई फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे हो और आपकी कबूतरबाजी बढ़िया चल रही होगी। सो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपने बिल्कुल राइट थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप पल्टी मार अगर कबूतर खरीदते हो तो उसके अंदर आपको क्या क्वालिटी देखना है जिसके वजह से वो पल्टी मार कबूतर बहुत बढ़िया होगा और बहुत बढ़िया उड़ेगा। तो बिना देर के मैं पहले अपने कबूतरों को खोल लेता हूँ क्योंकि कबूतर तो अभी बंद है और कबूतर को दाना भी चुगाना है, ठीक है। तो उसके बाद जो है मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप चेक कर सकते हो पल्टी मार कबूतर लेना होगा आप अगर आपको तो क्या चीज़ आपको चेक करना है जिसकी वजह से आपका जो पल्टी मार कबूतर जो काफ़ी देर उड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो बिना देर के पहले पेटी को खोल लेते हैं, उसके बाद जो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको चेक करना है। सो दोस्तों फाइनली जो है मैंने ताले को खोल दिया, ठीक है दोस्तों। सारे ताले को खोल दिया तो अब बिना देखे गेट को खोलता हूँ, उसके बाद जो कबूतरों को बाहर निकालते हैं, ठीक है दोस्तों। तो बिना देखे गेट को खोलते हैं और कबूतरों को देखते हैं कबूतर कैसे हैं। तो कबूतर तो सारे ठीक है, ठीक है दोस्तों। ये चार कबूतर ओके हैं, तब इन कबूतरों को बाहर निकालते हैं और इनको दाना चुगाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो एक एक करके इनको बाहर निकालते हैं। तो फाइनली जो कबूतर सारे बाहर निकल चुके हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब इनको थोड़ा सा दाना दे देते हैं और दाना देने के बाद दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करके आपको चेक करना है, ठीक है दोस्तों। तो पहले थोड़ा सा दाना दे देते हैं। तो ये रहा हमारा कटोरा, ठीक है। इसके अंदर हम थोड़ा सा दाना धर लेते हैं गेहूँ में। तो ये गेहूँ है हमारा और आदित्य भाई भी आ रखे हैं। आदित्य भाई कैसे हो? ठीक है। और सब्सक्राइबर को भी आई कर दो, बहुत दिन के बाद मिल रहे हो। कहाँ थे इतने दिन से? घर पे थे। मिलते तो थे नहीं, है ना? है ना भाई, बहुत दिन के बाद आदित्य भाई आए ना, और पता नहीं कहाँ गए थे। और कबूतर शायद टूट कर रहे दाना खाने के लिए। थोड़ा बहुत और दे देता हूँ और वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, ठीक है दोस्तों। और चैनल पहली बार आओ, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ऑल पे क्लिक करना ना, क्योंकि आपको इस चैनल पर कंटेंट मिलते रहते हैं। तो अभी थोड़ा सा दाना चुगाते हैं, उसके बाद जो कबूतर को पकड़ के जो मैं आपको बताता हूँ तरीका कैसे करके आपको चेक करना है, ठीक है दोस्तों। कबूतर सारे टूट पड़े हैं, मज़े से खा रहे हैं हमारे कबूतर, ठीक है दोस्तों। देख सकते हो सारे कबूतर मंडे हुए हैं दाने पर। थोड़ा सा और दाना दे देते हैं। फाइनली जो कबूतरों ने दाना चुग लिया, ठीक है दोस्तों। तो अब इसके में से एक कबूतर को पकड़ के मैं आपको बताता हूँ अगर आप पल्टी मार कबूतर लाते हैं तो क्या चीज़ चेक करना है कि कबूतर अच्छा बढ़िया उड़ेगा और बढ़िया भी और बढ़िया उड़ान भी देगा आपको, ठीक है दोस्तों। तो मैंने देखिए मैं कबूतर को पकड़ता हूँ, उसके बाद मैं जो आपको बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो मैं कबूतर कबूतर ये तो पंजाबी कबूतर है और अच्छी उड़ान कबूतर है। तो इसमें इसी में वो क्वालिटी है जो चीज़ आपको पल्टी मार कबूतर में भी देखना है, ठीक है दोस्तों। तो पल्टी मार कबूतर कैसे चेक करना है, कैसे फाइंड कर सकते हो, मैंने इसके ऊपर पहले ही ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो कि पल्टी मार कबूतर कैसे चूज़ करें, ठीक है दोस्तों। अब पल्टी मार में उड़ान का कबूतर कैसे चूज़ करें वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, अगर चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपको इस चैनल पर इस प्रकार के कंटेंट मिलते रहते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि लाइक के कुछ पैसे नहीं लगते और सब्सक्राइब पर भी एक रुपया नहीं लगता है, ठीक है दोस्तों। तो करते भी नहीं देखिए वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले कबूतर के अंदर क्या आप चेक करना है, तो पहले तो आपको चेक करना है कि पल्टी मार कबूतर कैसे फाइंड करें। तो पहले आपको फाइंड करना है कैसे पल्टी मार कबूतर चेक करें, जैसे मैंने आपको तरीका बता रखा है डिस्क्रिप्शन में, वीडियो है उसको देख लेना। उसके बाद आप कबूतर आपने छांट लिया पल्टी मार कबूतर, पता चल गया कि भाई ये पल्टी मार कबूतर है, तो उसके बाद आपको इसके अंदर क्वालिटी चेक करनी है, कैसे चेक करें, क्या चीज़ चेक करें कि कबूतर उड़ने वाला होना चाहिए। तो कभी आपको ये देखना है कि जो आपके जो ये कबूतर का पर है ना, पर ये आपके पूंछ से लंबे होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। जैसे देख सकते हो इसके बाद जो देख सकते हो दोस्तों, ये पूंछ से ना काफ़ी ज़्यादा लंबे, देखो ये देखो पूंछ के पास आपको सटे होने चाहिए, या फिर पूंछ से बाहर हो जाए तो और अच्छा बात है, लेकिन ये पूंछ से चपकने होने चाहिए, ठीक है। अगर ये पूंछ से अगर इतना छोटा आता है, अगर इसके पर ये जो बाजू के पर है लंबे लंबे भी होने चाहिए, देख सकते हो काफ़ी लंबे लंबे पर है इनके पर जो यहाँ तक, यहाँ से अगर अगर ये पूंछ से अगर इतने छोटे हैं नीचे तक यहाँ तक हैं, तो समझो कि कबूतर उड़ाने का नहीं है, ठीक है दोस्तों। बस वो पलटी तो मारेगा लेकिन काफ़ी देर उड़ान नहीं देगा, ठीक है। अगर अगर पर अगर आपके लंबे हैं, कबूतर के पूंछ तक पूरा पहुंच रहे हैं, तो काफ़ी देर उड़ान देगा, ठीक है, पलटी भी मारेगा और अच्छा भी कबूतर होगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये चीज़ आपको चेक करना है परों में। अब परों में क्या चीज़ और चीज़ चेक करना है आपको, आपको ये चीज़ और चेक करना चाहिए। देखो तीन पर है ना, जैसे कि मैंने तो एक कैच मार रखा है, लेकिन आपको ये चीज़ चेक करना है, ये दो पर है ना, दो पर इनके एक बराबर होने चाहिए, तो ये कबूतर और अच्छा उड़ान का माना जाता है, ठीक है। और प्लस में इससे जो और जो ये जो छोटे पर है वो इसके स्टेप बाई छोटे छोटे होते हुए आने चाहिए। इस पर में भी आपको दिखा देते हैं, इसमें अगर पर बड़े हों तो, ठीक है, देख सकते हो ये दो पर बराबर हैं, ठीक है दोस्तों।
और देखो स्टेप बाय स्टेप भाई छोटे छोटे पर आते हो रहे नीचे उतर रहे, ठीक है दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप भाई छोटे हो रहे हैं। तो ये चीज़ आपको चेक करना है। और क्या चेक करना है आपको, और ये चेक करना है कि आपका जो कबूतर है ना, अगर आप पल्टी मार कबूतर लेते हो तो ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, थोड़ा मतलब हल्का ही होना चाहिए और पतले सा शेप में होना चाहिए, ठीक है, जैसे ये पतले सा शेप में ऐसा होना चाहिए, ठीक है, और पक्के पंजों का होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। जैसे कि ये देख सकते हो नीले दाल थोड़ा बहुत लग रहा होगा आपको, पर इस पंजे इस टाइप के पंजे होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। और जो नाखून होने चाहिए, नाखून में आपको क्या क्वालिटी चेक करना है, नाखून में आपको ये क्वालिटी चेक करना है कि जो नाखून है ना, नाखून ये काफ़ी लंबे लंबे होने चाहिए, जैसे कि ये लंबे लंबे नाखून है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको चेक करना है। उसके बाद आपको नाड़ की बात आ जाती है, तो नाड़ में आपको क्या होता है, थोड़ा पतला होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, और थोड़ा लंबा होना चाहिए, तो कबूतर जो ज़्यादा देर उड़ता है और अच्छा उड़ान देता है, ठीक है। और पूंछ में भी आपको एक चीज़ बता देता हूँ, पूंछ में क्या होता है, पूंछ में यहाँ पे ना एक दो पर जो है लंबे होते हैं, ठीक है दोस्तों, इसके थोड़े गंदे हो रखे हैं इसलिए आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे एक दो पर जो है लंबे होते हैं, देखो दोस्तों यहाँ पे एक दो पर लंबे होते हैं, तो वो भी अच्छा उड़ान में माना जाता है कबूतर। तो ऐसे करके आपको जब पल्टी मार कबूतर को, अगर आप कभी पल्टी मार का अगर आप शौक करते हो, अगर आप पल्टी मार कबूतर खरीद के लाते हो, तो ऐसे ही आपको पल्टी मार कबूतर लेना है। पहले पल्टी मार कबूतर का आपको देखना है कैसे चेक करना है, मैंने वीडियो भी डाल रखी है, मैंने आपको जैसे कि बता भी दिया पहले ही। तो आपको पहले पल्टी मार का चूज़ कर लेना है कि कबूतर ये पल्टी मार है, ठीक है। उसके बाद आपको ये क्वालिटी चेक करना है कि पल्टी मार कबूतर के अंदर ये ऐसे पर होने चाहिए, ऐसे पंजे होने चाहिए, ऐसा नाड़ होना चाहिए, तो कबूतर अच्छा उड़ेगा, बहुत बढ़िया उड़ान देगा, ठीक है दोस्तों। तो हमारे कबूतर तो फाइनल दाना चुक चुके हैं, और देख सकते हो एक जंगली कबूतर भी नीचे उतर रखा है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है दोस्तों। सारे कबूतर मस्ती में दाना चुग रहे हैं, दाना चुग रहे हैं मस्ती मगन में। तो दाना चुगने के बाद मैं कबूतर को बंद कर दूंगा। तो यही थी वीडियो, वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और यही था 2023 में, मतलब मैंने नया वीडियो ये बनाया फर्स्ट टाइम, ठीक है, और बहुत अच्छा तरीके से मैंने बताया आपको कि कैसे मतलब आप पल्टी मार कबूतर को चूज़ कर सकते हो अच्छे उड़ान का, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, और चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलना, ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप वीडियो देख लेते हो सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।